हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर इसकी तैयारी करने वाले हैं, तो इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इन सब की आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा और उसमें कितना वेटेज किस टॉपिक का है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, इस समय यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स का रिजल्ट रिलीज कर दिया गया है और इसमें अनअकैडमी के टोटल 178 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021 में टोटल 600 कुछ सीटें थी, जिसमें से 178 अनअकैडमी के स्टूडेंट थे। इसमें टॉप 5 में 3 स्टूडेंट हैं और टॉप 100 में अनअकैडमी के 34 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 45 स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस लर्नर हैं और 133 लास्ट माइल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लर्नर्स हैं। और अगर टॉपर्स की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 3rd गामिनी सिंगला, ऑल इंडिया रैंक 4th ऐश्वर्य वर्मा और 5th उत्कर्ष द्विवेदी तथा AIR 6 जो है यश चौधरी, ये अनअकैडमी के स्टूडेंट हैं। तो अगर आप घर बैठे ऑनलाइन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी द्वारा 2023 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी के लिए नया बैच स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा आपकी डेली लाइव क्लासेस ली जाएंगी। तो अब बात करते हैं आप इसका सब्सक्रिप्शन कैसे लेंगे। उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अनअकैडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में जो है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा लाइव क्लासेस ली जाएंगी, सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा और PDF फॉर्म में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएंगी। लेकिन आइकॉनिक में जो है प्लस का सारा बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा 1-to-1 लाइव मेंटरशिप दी जाएगी, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, डेली स्पेशल कंटेंट दिया जाएगा। तो आप यहां पर अपना प्लान सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको टाइम सेलेक्ट करना है, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 36 महीने, जितने भी टाइम के लिए आप प्लान लेना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको यहाँ पर रेफरल कोड में SR अड्डा डालना है, SRADDA, और अप्लाई बटन पे क्लिक करें, क्योंकि इस पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करने पर, आप देख सकते हैं। और प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 15,369 रुपये का डिस्काउंट मिला है। तो आप इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन प्लान की। तो इसमें आपका एग्जाम जो है दो स्टेज में होगा, पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू तथा पर्सनालिटी टेस्ट होगा। प्रीलिम्स में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके आधार पर आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। और मेंस में आपका रिटेन एग्जाम होगा, उसके साथ ही इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। प्रीलिम्स का पेपर आपका 400 नंबर का होगा, इसमें दो पेपर होंगे और दोनों पेपर 200-200 नंबर के होंगे। इसका जो सेकेंड पेपर है, जनरल स्टडीज सेकेंड, जिसको CSET भी बोलते हैं, वह क्वालिफाइंग पेपर है। उसमें आपको मिनिमम 33% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स आप 33% जर्नल स्टडीज पेपर सेकेंड। तो अब बात करते हैं डिटेल्ड स्कीम की। तो आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, इसमें दो पेपर होंगे, एक पेपर आपका 200 नंबर का होगा और दोनों पेपर आपके कंपलसरी होंगे। क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होंगे और क्वेश्चन पेपर आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होगा, यानी कि टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। और प्रीलिम्स में जो आपका सेकेंड पेपर होगा, जर्नल स्टडीज सेकेंड, ये क्वालिफाइंग है, इसमें मिनिमम 33% नंबर लाने होंगे। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे उनको मेंस एग्जाम देना होगा। मेंस में टोटल 9 पेपर हैं, पहले दो पेपर आपके क्वालिफाइंग हैं, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए में आपको कोई इंडियन लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, जो कि यहाँ पर लिस्ट दी गई है, ये 300 नंबर का पेपर है। और इसका बी पेपर आपका इंग्लिश का है, ये भी 300 नंबर का है। अब बात करते हैं आप कौन कौन से पेपर सेलेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं लैंग्वेज के पेपर की। तो इसमें असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल या फिर तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मराठी, संथाली, इनमें से आप कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंड पेपर आपका पेपर भी जो है ये इंग्लिश का होगा, ये फिक्स है। और ये पेपर आपके 300-300 नंबर के होंगे। उसके बाद बात करते हैं कंपलसरी पेपर की। तो इसमें पेपर वन आपका जो है ASE का है, ये 250 नंबर का होगा। सेकेंड पेपर आपका जर्नल स्टडीज़ 1 का है,
जो कि 250 नंबर का है। इसमें इंडियन हेरिटेज और कल्चर तथा हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड पेपर आपका जो है जनरल स्टडीज सेकेंड का है, जो कि 250 नंबर का है, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोर्थ पेपर आपका जनरल स्टडीज थर्ड का है, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिफ्थ पेपर आपका जनरल स्टडीज फोर्थ का है, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 250 नंबर का ये भी पेपर है। और इसके अलावा दो पेपर आपके ऑप्शनल होंगे, सिक्स और सेवन पेपर आपके जो है ऑप्शनल होंगे। इसमें आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसके दो पेपर होंगे, पेपर वन और पेपर टू, जो 250 नंबर के होंगे। तो आपका रिटर्न एग्जाम टोटल 1750 नंबर का होगा। इसके अलावा पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो कि 275 नंबर का होगा। तो टोटल आपकी मेरिट जो है 2025 नंबर पे बनाई जाएगी। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कौन कौन से ले सकते हैं। तो इसमें आप एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, जूलॉजी या फिर लिटरेचर ले सकते हैं, जिसमें आप असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम या फिर मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, इनमें से कोई एक लिटरेचर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके दो पेपर होंगे। इसमें सभी पेपर्स आपके जो है 3 घंटे के होंगे। अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स के पेपर वन की, जो कि 200 नंबर का है और 2 घंटे में आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें पेपर वन में करेंट इवेंट ऑफ नेशनल तथा इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इंडियन हिस्ट्री, इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही इंडियन तथा वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, साथ ही इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इसमें आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें स्पेशलाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। इसके अलावा जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप इन सब की घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी द्वारा एवरी संडे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जनरल स्टडीज कॉम्बैट कराया जाता है। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये पूरी तरह से फ्री है, लाइव टेस्ट होता है। इसमें आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है और इस टेस्ट में जो है 54 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको 1 घंटे में सॉल्व करना होगा। इसमें अच्छी बात यह है कि इंडिया के सारे टॉप स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे आपको अपने स्टडी के बारे में पता चलेगा आप कितनी तैयारी कर चुके हैं और कैसे करना चाहिए। इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, अगर आपकी रैंक 1 से 50 के बीच में है तो आपको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। वहीं पर जिनकी रैंक 51 से 250 के बीच में है उनको 30% स्कॉलरशिप दी जाएगी, और जिनकी रैंक 251 से 650 के बीच में है उनको 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी, और जिनकी रैंक 651 से 1000 के बीच में है उनको 20% स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके लिए आपको SRADDA कूपन कोड यूज़ करना होगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उस लिंक पे क्लिक करें और इसमें पार्टिसिपेट कर लें, ये आपके GS की तैयारी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो अब बात करते हैं पेपर टू के सिलेबस की। पेपर टू आपका 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का ये पेपर है, जिसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, साथ ही जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक न्यूमेरिसी में नंबर तथा उनके रिलेशन, इसके अलावा ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन सबसे 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशेंसी, ये सब आपका 10th लेवल का होगा। तो अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस में आपके 2 क्वालिफाइंग पेपर होंगे और इसके अलावा 7 और पेपर होंगे जो कि कंपलसरी होंगे। क्वालिफाइंग पेपर की बात करें तो इसमें इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का पेपर होगा। इंग्लिश में जो है आपको कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द गिवन पैसेज, इसके अलावा प्रिसाइज राइटिंग, यूजेज एंड वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और शॉर्ट ऐसे पूछा जाएगा। इंडियन लैंग्वेज में भी कॉम्प्रिहेंशन तथा प्रिसाइज राइटिंग, यूजेज एंड वोकैब्स, इसके अलावा शॉर्ट ऐसे और ट्रांसलेशन
पूछा जाएगा, जिसमें ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश से इंडियन लैंग्वेज में और इंडियन लैंग्वेज से इंग्लिश में, यानी कि आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उस लैंग्वेज से इंग्लिश में और इंग्लिश से उस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना होगा। और पेपर आपका जो है 10th लेवल का होगा। अब बात करते हैं पेपर वन की। पेपर वन जो है आपका एसे होगा, इसमें आपको जो है मल्टीपल टॉपिक में से किसी पे एसे लिखना होगा। उसके बाद आपका सेकेंड पेपर जो कि जनरल स्टडीज़ वन है, जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी के बारे में पूछा जाएगा, जिसके बारे में यहाँ पर डिटेल में सिलेबस दिया गया है। बहुत डिटेल में सिलेबस है, तो आप इसको डाउनलोड कर लें। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। और इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस। तो आप ये PDF डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।